Hello friends, welcome back. This is Rajkumar Yadav and we are going to see the chapter of civics, that is democracy and diversity. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू. तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ताकि वो लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट कर सके, मतलब अपने अंदर शामिल कर सके. लेकिन लैंग्वेज और रीजन सिर्फ यही दो फीचर्स नहीं होते जिससे इंसान को उसकी खुद की आइडेंटिटी मिलती है, या फिर यही दोनों फीचर्स किसी भी इंसान को उसकी अलग आइडेंटिटी देते हैं, ऐसा नहीं होता. कभी कभी लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और रिलेट करते हैं बाकी सारे बेसिस पे भी, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस है, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब, इन सब के बेस पे भी लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स और इनइक्वालिटीज़ को रिस्पॉन्ड करती है. और सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसका देखेंगे, जितने भी सोशल डिविजन्स है उनका पब्लिक में एक्सप्रेशन कैसा होता है, उनका पब्लिक एक्सप्रेशन कैसा होता है वो देखेंगे. बाद में हम कुछ लेसन्स के बारे में देखेंगे कि इसके वजह से हमने क्या सीखा. तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से सोशल डिफरेंसेस अलग अलग रूप ले लेते हैं. और अंत में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स असर करती है और ख़ुद भी उससे असर होता है. किसकी वजह से? सोशल डाइवर्सिटीज़ की वजह से. उसके ऊपर क्या असर होता है, और या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सोशल डाइवर्सिटीज़ पे अपना असर क्या डालती है. अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स. द पिक्चर्स ऑन दिस पेज डिपिक्ट एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट थी US के अंदर चल रहे सिविल राइट्स मूवमेंट की. दीज रिप्रेजेंट द मेडल सेरेमनी ऑफ द 200 meters रेस इन द 1968 ओलंपिक्स हेल्ड एट मैक्सिको सिटी. तो 1968 में मैक्सिको सिटी के अंदर जो ओलंपिक्स हुआ था उसकी 200 मीटर रेस के मेडल सेरेमनी के टाइम की ये फोटो है. द टू मैन स्टैंडिंग विद क्लेंच्ड फीस्ट अप्रेस्ड एंड हेड्स बोर्ड वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वॉज प्लेड आर द US एथलीट्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस. तो जो दोनों बंदे खड़े आपको दिख रहे थे, जिन्होंने हाथ अपना खड़ा करके रखा है और मुट्ठी बंद करके रखी है और अपना सिर झुका के रखा है, ये दोनों अमेरिकन नेशनल एंथम के टाइम पे इस तरह से खड़े थे. और ये दोनों खुद US एथलीट्स थे. इनका नाम था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस. टॉमी स्मिथ को गोल्ड मेडल मिला था और जॉन कार्लोस को ब्रॉन्ज मेडल मिला था. दे रिसीव देयर मेडल्स वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज़ टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी. तो जब ये मेडल लेने गए तो इन्होंने जूते नहीं पहने थे और ब्लैक सॉक्स पहने थे, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका में ब्लैक लोगों की गरीबी कितनी है. विद दिस जेस्चर दे ट्राई टू ड्रॉ अटेंशन दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ऐसा करके इन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा कि US में जो ब्लैक के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके तरफ. द ब्लैक ग्लोव्ड एंड रेज क्लेंच फीस्ट वर मेंट टू सिंबलाइज ब्लैक पावर. जो ब्लैक ग्लोव पहना था उन्होंने और जो अपनी मुट्ठी बंद करके रखी थी ना, ये दिखा रही थी ब्लैक पावर. अब ब्लैक पावर का मतलब क्या है एक्चुअली में, तो यहाँ पे देखते हैं. चलो, ब्लैक पावर किसके बारे में यहाँ पे कहा गया है. ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज्ड इन 1966 एंड लास्टेड टिल 1975. तो ये 1966 से स्टार्ट हुआ था और 1975 तक चला था. विच वॉज अ मोर मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट एडवोकेटिंग इवन वायलेंस इफ नेसेसरी टू एंड रेसिज्म इन द US. तो ये मूवमेंट 1966 से 1975 तक चला था. अब US के अंदर जो रेसिज्म थी, ब्लैक लोगों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उससे लड़ने के लिए ये लोग हथियार उठाने के लिए भी तैयार थे. तो उसको बोलते हैं ब्लैक पावर उस टाइम की. ठीक है, अब देखते हैं आगे. द सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन वोर अ ह्यूमन राइट्स बैच ऑन हिज शर्ट ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन्स. अब इनके सिवाय जो सेकंड नंबर पे था ना, जो वाइट बंदा था, वो था ऑस्ट्रेलियन एथलीट. उसका नाम था पीटर नॉर्मन. अब इसने भी अपने शर्ट पे एक ह्यूमन राइट बैच पहन के रखा था इस सेरेमनी के टाइम पे. सिर्फ ये दो बाकी दोनों अमेरिकन्स को अपना सपोर्ट दिखाना चाहता था. डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनेशनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम. आपको लगता है क्या कि जो कार्लोस और स्मिथ ने अमेरिकन सोसाइटी के अंदर की जो बात हो रही थी उसको पूरी दुनिया के सामने एक इंटरनेशनल इवेंट पे दिखा दिया, क्या वो ठीक था? वुड यू से दैट व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिकल. क्या ये एक पॉलिटिकल इवेंट थी कि किसी पॉलिटिक्स के जरिए इंस्पायर हुई थी ऐसा करने के लिए? व्हाई डू यू थिंक पीटर नॉर्मन हु वाज नीदर ब्लैक
नॉर अमेरिकन ज्वाइंट इन द जेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट। आपको क्या लगता है, जो पीटर नॉर्मन था ना तो वो ब्लैक था ना तो अमेरिकन था, तो फिर भी वो इस प्रोटेस्ट में क्यों ज्वाइंट हुआ? इफ़ यू आर इन नॉर्मन्स प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप वो नॉर्मन के प्लेस पे होते, ठीक है, तो क्या आप उसकी तरह बाकी दोनों प्लेयर्स का साथ देते इतनी बड़ी इवेंट में पूरी दुनिया के सामने? सोचिए। तो बच्चों, ये जो फोटो है आपके टेक्स्ट बुक में पेज में, ये किसके बारे में है? ये दोनों वो एथलीट्स थे जो उस टाइम पे खड़े हुए थे। इन 2005 द सेन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टॉल्ड अ 20-foot हाई स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग द प्रोटेस्ट बाय टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। अ फोटोग्राफ ऑफ द ओरिजिनल मेडल सेरेमनी इन 1968 इज ऑन द टॉप। तो देखो, वो जो फोटोग्राफ था ना जिस तरह का, उसी के बेस पे इन्होंने इनकी एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की थी, सेन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में इनकी 20-foot की प्रतिमा लगाई गई है, स्कल्पचर लगाया गया है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का, क्योंकि इसी में इन्होंने पढ़ाई की थी, इसीलिए इनकी यूनिवर्सिटी ने इनको रिस्पेक्ट दिखाया है अपना पूरा। अब आगे देखते हैं। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायोलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन थी, उसने कार्लोस और स्मिथ को दोषी ठहराया क्योंकि इन दोनों ने ओलंपिक की जो स्पिरिट है उसको तोड़ा था, ओलंपिक की स्पिरिट को भंग किया था, वहाँ पे उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिखाया था, इसलिए इस तरह से रिएक्ट करके। देयर मेडल्स वर टेकन बैक होम, दे वर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। अब इन दोनों के मेडल छीन लिए गए थे, वापस ले लिए गए थे, और जब ये वापस अपने घर गए अमेरिका, तो यहाँ पे भी इनकी काफ़ी बुराई की गई थी। नॉर्मन को भी इसका कर्ज चुकाना पड़ा था, राइट, अपना जो उसने एक्शन ली थी, जो उसने दोनों ब्लैक को सपोर्ट किया था, तो इस भाई को भी, इस ऑस्ट्रेलियन भाई को भी अपना कुछ ना कुछ चुकाना पड़ा, क्योंकि अगले ओलंपिक में इसको जगह नहीं मिली टीम में। बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द US। लेकिन इनकी जो एक्शन थी, इसके वजह से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हो गया था कि US के अंदर ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा है वो है क्या, आखिर है क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है। रिसेंटली द सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विच देवर फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑनर्ड देम एंड इंस्टॉल्ड द स्टैचू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में इन लोग का स्टैचू लगाया हुआ है। कौन सी यूनिवर्सिटी? सैन होजे यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इन लोगों ने पढ़ाई की थी। When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pall bearers at his funeral. तो जब नॉर्मन की डेथ हुई 2006 में, तो स्मिथ और कार्लोस उसके फ्यूनरल में पॉल बियरर्स का इन्होंने रोल निभाया। पॉल बियरर्स का मतलब होता है क्रिश्चियंस में जब कॉफिन को ले जाया जाता है ना दफनाने के लिए, तब उस कॉफिन को कंधा देने वाले लोग पॉल बियरर कहलाते हैं, या फिर उस कॉफिन के साइड में वॉक करने वाले लोग भी पॉल बियरर कहलाते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ।